सामने से जाने दो, इधर से जाने के लिए कह रही हो। ओ भाई ये किसी को बात नहीं करनी, सर से लेकर क्यों आए थे? हाय दो यार, अरे कैसे कर रही हो, मेरा फोन दो। इग्नोर करोगे अब? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं महजबी और आज मैं इग्नोर करने वाली हूं सुनील को, वो भी 24 आवर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि खुद का मेरा ब्लॉगिंग चैनल है तो उसको लगेगा कि मैं नॉर्मली वो ब्लॉग बना रही हूँ अपना। तो चलो जल्दी से ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मुझे जाना है बाहर, मतलब मम्मी को भी बाहर जाना है, सबको बाहर जाना है अभी। ये बहुत अजीब है, उठो यार एक मिनट, रुको रुको आगे जाना है। क्या नजारा है, खोल दो यार, इधर से जाने दो, इधर से जाने के लिए कह रही हो। तो अम्मी तुम्हें पता है इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, तुम सोच रही होगी सुबह से क्यों इग्नोर किया जा रहा है। हां वही तो, वो हमको आके बोल रही है कि पता नहीं क्या हुआ, हमसे बात नहीं कर रही है। तो उसको लग रहा है ऐसा कि मैं उसको है ना उससे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ना मेरा एक चैलेंज है जिसमें इग्नोर करना है समरीन को 24 आवर्स के लिए। तो उसमें तुम मेरा साथ दोगी, ठीक है? उसको बता देती पहले, अभी प्लान में आ गई तुम, और है ना उसको चिढ़ाना भी है, ठीक है? उसको मतलब उसको इरिटेट करना है, मजा आएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है। और मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, कैसे कर रही हो? मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है बहुत ही ज्यादा। कैसे कर रही है, किसी को बात नहीं करनी, सर से लेकर क्यों आए थे? सब समझ में आ रहा है मुझे, अब मैं समझ रही हूँ। इसका कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यार बंद कर भाई, और ये गाइज वो उधर है ना, उसका मुंह बन गया बिल्कुल, दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। गाइज ये देखो, ये यहाँ खड़ी है ऐसे। तो गाइस मैं अभी आ गई हूँ आइसक्रीम लेने के लिए यहाँ पर, और अभी थोड़ी सी भीड़ चल रही है यहाँ पर, तो ये जरा खत्म हो जाए उसके बाद मैं ले लूंगी, उसके बाद मैं समरीन के पास लेकर जाऊंगी और समरीन उसको लेने वाली होगी। जैसी वो लेने वाली होगी वैसी मैं अम्मी के हाथ में दे दूंगी और फिर उसके बाद आएगा बहुत मजा और मेरे दिल में सुकून। तो गाइस मेरा फोन मिल चुका है और अब मैं लेकर जा रही हूँ समरीन के पास। तो गाइस ये आइसक्रीम मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि सबसे पहले मैंने इसे ठूस लिया। और यहाँ देखो समरीन बैठी है, अब मुझे मजा आएगा बहुत। देखो आप लोगों को मुझे पी वाली आइसक्रीम इतनी ज्यादा पसंद है ना। वाह क्या सीन है। अम्मी तुम्हारे लिए आइसक्रीम खा लो। मेरे लिए भी तो अम्मी, क्या हो गया? खाओ अम्मी, पिघल रही, जल्दी खाओ। मंगवा देती ना, एक ही लेकर आई है, इसमें पता चल रहा है, ब्लॉग में दिखा रही है मेरे साथ ऐसा। चलो ठीक है अम्मी तुम ये खाओ लेकर, कैसा लग रहा है अम्मी? मैं जा रही हूँ। और अब मैंने पता है नेक्स्ट क्या सोचा है इसको परेशान करने के लिए, मैंने ये सोचा है कि अभी मैं कहीं जाऊंगी कुछ शॉपिंग के लिए, वो लिपस्टिक की पेमेंट मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे पास ही आती है कि इसकी पेमेंट कर दो। चलो फिर अभी यही करते हैं। गाइस यहाँ पे समरीन अपने लिए कुछ ले रही है और इसकी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी और मैं नहीं करूंगी, ये पक्का मुझे बोलेगी। तो गाइस मुझे ये दोनों रिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, पर मैं इसको बहुत ज्यादा बाद में लूंगी। क्या हो गया? और अभी मैं जा रही हूँ, मुझे मेकअप लेना है तो मैं वहाँ जाकर लूंगी अपना मेकअप। और हाँ ये ना मेकअप भी आ ही गया। गाइस मुझे सब समझ में आ रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, अरे तो गाइस अभी वो पीछे पीछे आ रही है मेरे, और पता नहीं ऐसा बहुत गुस्से में लग रही है। वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। इसके अंदर मेरा मेकअप रखा हुआ था, इसने ऐसे फेंक दिया है मेरे से, अगर आप इसको कुछ समझ में आ गया इसलिए ऐसे कर रही है। तो गाइज अब मुझे फाइनली समझ आ चुका है कि मैं इतनी देर से मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे साथ हो रहा था इग्नोर, जो कि मुझे नॉर्मल लग रहा था पहले तो, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज चल रहा है इग्नोरिंग समरीन फॉर 24 आवर्स ऐसा कुछ चल रहा होगा। अब मैं बदला लेकर रहूंगी और अब मैं उससे मजा चखाऊंगी कि उसने जो मुझे इतनी देर तक इग्नोर किया है ना, अब उसको बताऊंगी कि मैं क्या। तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है इस पे, अब मैं इसको चलाने वाली हूँ, ये मेरी गाड़ी आ चुकी है, हटो भाई। तो गाइस ये मुझे अकेले छोड़कर चली गई है, खुद कार की राइड ले रही है, अब मैं इसे बताऊंगी, मैं इसे दिखाती हूँ क्या करती हूँ। म्यूजिक गाइज अभी मेरा प्लान ये है कि मैं जाने वाली हूँ इस मॉल को छोड़कर दूसरे मॉल में, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि समरीन को जो है ना वो मैं यही छोड़ दूंगी, मैं उसको अपने साथ तो यहाँ से लेकर जाऊंगी, पर जब मैं ऑटो में बैठूंगी या फिर कहीं भी तो मैं उसको यहीं बाहर छोड़ दूंगी, और फिर मैं जल्दी से ऑटो वाले भैया को बोलूंगी भैया जल्दी जल्दी चलो, और वो यहीं अकेली रह जाएगी, फिर वो अकेली मॉल आएगी। यार इतनी तो गारंटी है मेरे पास कि भैया उसका बिल्कुल पारा जो है ना बिल्कुल हाई होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है, तो मुझे बहुत मजा आएगा ये करने में। तो चलो जल्दी से चलते हैं। भैया चलो जल्दी चलो, पता नहीं कौन कौन फालतू लोग आ जाते हैं। गाइस मैं जा रही हूँ।
का साथ दे रही हूँ और मेरे साथ इतना गलत हो रहा है इतनी देर से, सुबह से यही हो रहा है, मतलब सब मिल गए उसी में। तो वो तो मुझे पता चल चुका है कि सब लोग मुझे मिलके इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यार बुरा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। मेरा साथ दो अच्छे से और मैं उससे बदला लूंगी अब। तो अभी वो आ रही है वहां पर से, अभी मैं बताती हूँ उसको कुछ। देखो गाइस वो आ रही है अभी, उसको लग रहा है वो मेरी वीडियो ले रही है और मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगी। अब इसका बैग जो है ना मैं वो ऐसे लूंगी और नीचे डाल दूंगी। यार मम्मी मेरा कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है। ओ भाई ये क्या है, इसको बोल दो ऐसे सामान वामान क्यों फेंक रही है सबके सामने, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, बहुत हो गया, अब कर लिया ना इग्नोर। यार हमने किसी को समझा लो कि कोई मेरे पे थप्पड़ वप्पड़ ना मारे किसी के सामने, मूड खराब है किसी का भी तो वो अपने पास जाए भाई अपने। हाँ, वो किसी को जो है ना उसका नाम भी ले सकती है, ज्यादा हो रहा है, करना बंद कर दो, मुझे नहीं पता। गाइस पता नहीं कौन मेरे कानों के पास आके वीडियो चल रही है, तो बस आप लोग भी ना, मैम मुझे सब समझ में आ रहा है, अभी तो वो भैया कॉफी लेने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है वो। तो अब मेरे पास ये दो कार्ड और अब हम लोग करेंगे मजे और खाएंगे, दिखा दिखा कर मजे करेंगे, क्योंकि उसको भी यहाँ जाना बहुत ज्यादा पसंद है, गेम्स खेलना बहुत पसंद है, लेकिन हम उसको नहीं लेकर जाएंगे यहाँ से, हम दोनों जाएंगे, हम दोनों मजे करेंगे। मुझे पीनी नहीं, मैं जा तो गाइज मैं अभी ऊपर आ गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ गेम जोन, क्योंकि अम्मी ने फोन करके बताया मुझे कि गेम जोन आना है। ये लोग इतने चलाक बन रहे हैं ना, अभी हद वाले चलाक बन रहे हैं, और समरीन से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं है, वो इतना दिमाग चलाक कहाँ से रही है यार। मुझे मैं हार गई इस चैलेंज में, मुझे इरिटेट कर रही है वो और मुझे नहीं कर पा रही उसको, मतलब कैसे करूँ बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे चैलेंज में मुझे ही हरा दिया इन लोगों ने। यहाँ पर है और यहाँ पर गेम खेल रहे हैं ये लोग, वाह। सुबह से परेशान कर रखा था, अब उसके साथ हम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चीज करने वाले जिससे उसको बहुत गुस्सा आएगा। चलो फोन दिखाओ, चलो यार मेरा फोन दो यार। चलो फोन दे, करोगे अब इग्नोर, मेरा फोन दो, इग्नोर करोगे अब। ये लो, अब मैं सोच रही हूँ गाइस इधर आओ, फूड वेस्ट में डालू या रिसाइकलेबल में डालू, किसी वेस्ट में नहीं, मेरा फोन दो यार, ये मैं डाल देती हूँ। अब जितना मुझे परेशान किया ना, मेरा चैलेंज है, मुझे दो मिनट चैलेंज वाले, अब कुछ नहीं, बात पूरी हुई, पता है मुझे ना बीच में पता चलेगा तू मेरे साथ ये कर रही हो। अब लो मेरा फोन दो, समझी, दिखाओ तो कहाँ डाल रही हूँ, दिखा दो, डाल ही देती हूँ। क्या कर रही है फालतू की चीज़, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो तुमने मुझे सुबह इतना परेशान किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ना, चलो बहुत हो गया अब डाल दी, मैंने तो तुम्हें इग्नोर भी नहीं किया, चलो भाई अब डाल रही हूँ मैं, आ जाओ चलो डालने दो, मत डस्टबिन में मत डाल यार। अच्छा फिर ठीक है डस्टबिन में नहीं तो फिर मत कर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अभी आज सच में डर लग रहा है, मत मत करो, तुम्हें सबके सामने सॉरी बोलना होगा, ऐसे नहीं मारूंगी मैं। और हाँ तुम्हें 5 दिन तक मेरी सारी बात माननी होगी। चलो फिर एक काम करो, पैर छू के सॉरी बोलो मेरे, यार ये ज्यादा हो जाएगा, अभी सब लोग देख रहे हैं अजीब लगेगा, तो इसलिए तो कर रही हूँ। आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ, क्या वरना फोन ले लूंगी। ले लिया, करो जल्दी करो, कैसे छूना है, अभी मत कर यार, समझी, करो करो फिर, बेटे माफ किया, लो पकड़ो। तो गाइस अब चलो यार छोड़ो इसको, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, बहुत कर लिया मैंने, मजा आया, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा मजा आया मुझे इग्नोर करने में, बहुत तो गाइस जैसा कि आपने देख लिया कि मैं इस चैलेंज में हार चुकी हूँ, मतलब मेरा ही चैलेंज मैं ही हार गई, ये और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि मैं ये चैलेंज जीत गई हूँ। वैसे चैलेंज हारने जीतने का नहीं था, लेकिन क्या करें मैंने इतना अच्छा खेला और तुम्हारे दिमाग के साथ बिल्कुल मजा ही आ गया आज। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं समरीन के साथ करूं सेइंग यस टू माय सिस्टर वाला चैलेंज, तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो बस यहीं पे खत्म होती है मेरी ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि किसको विनर होना चाहिए था, असली मुझे या इसको, मेरे साथ ना इंसाफी हुई है या नहीं, 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 नहीं। तो चलो मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।